भारत चीन सीमा पर तीन पोर्टर लापता। तीनों पोर्टर आईटीबीपी की टीम के साथ सीमा पर गश्त के लिए हुए थे रवाना। खोजबीन में जुटी आईटीबीपी की टीम। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह ने की मुलाकात। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काउ भी रहे मौजूद। तीनों ने बंद कमरे में दो घंटे तक की बातचीत। नहीं कम हो रही चारधाम यात्रियों की परेशानियां। पहले ई पास की बाध्यता से परेशान थे यात्री, अब यात्रियों से वसूले जा रहे मनमानी दाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलभराव से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मृतकों के परिजनों के लिए की 4 लाख की मदद की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। जी हां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली है। आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, यानी कि अभी कुछ और दिन आर्यन खान को जेल में ही गुजारने पड़ेंगे। तो आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। ड्रग्स केस में हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारियां की जा रही हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका खारिज हुई है। जानकारी मिल रही है कि आर्यन के साथ तीनों आरोपियों की अर्जी खारिज हो गई है, लेकिन अब आर्यन के वकील कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में अब याचिका दाखिल करें। और अब आगे बढ़ते रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक को बीजेपी कार्यालय में बुलाया गया। नोटबंदी के दौरान जनता से लूटे गए पैसों से बीजेपी ने रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में करोड़ों की लागत से 3 मंजिला भवन तैयार किया है, जो आपदा के समय कुछ भी काम नहीं आया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को सड़कों पर रात काटनी पड़ी और बीजेपी कार्यकर्ता मजे लूटने तक सीमित रहे। तीर्थयात्रियों की मदद के लिए बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता आगे दिखाई नहीं दिया। तो कांग्रेस पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ने कई सवाल उठाए हैं। आपदा से निपटने में सरकार का तंत्र पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि आपदा की स्थिति प्रदेश में लगातार बनी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जा रही है और जो भी मदद की जा रही है वो पूरी तरह से फेल हो रही है। देखिए, 17, 18, 19 तीन दिन तक जो है बारिश का बहुत बड़ा कहर उत्तराखंड राज्य पे पड़ा है और जिससे हमारा चारधाम जो यात्रा है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है और श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटक और स्थानीय जनता भी बड़ी परेशान रही है। जिला मुख्यालय पे भी बहुत अधिक संख्या में यात्री और पर्यटक रुके रहे और रात भर बाहर रहने को मजबूर रहे, लेकिन कहीं सरकार नाम की कोई चीज़ जो है उत्तराखंड में दिखाई नहीं दी और सरकार आपदा में पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दी इस समय। और जिस प्रकार से जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी के दौरान 5 से 6 करोड़ रुपये का अपना कार्यालय विकसित किया था, अगर उसको जो है यात्रियों के लिए जो है आसरा 3 दिन के लिए वहाँ पे दे देते तो लगता था कि शायद कुछ जो है 500,000 यात्रियों की वहाँ पे सहायता हो सकती थी। उत्तरकाशी में चारधाम तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके आवास पर मुलाकात की गई। इस दौरान देवस्थानम एक्ट को खत्म करने की मांग चारधामों के तीर्थ पुरोहितों की ओर से की गई है। इस मामले में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पुरोहितों को आश्वासित किया है कि जल्द ही उत्तराखंड राज्य सरकार देवस्थानम प्रबंधन एक्ट 2019 को वापस लेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में पार्टी के स्तर पर भी लगभग सहमति बन गई है। इस मौके पर उन्होंने सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया गया है। तो तीर्थ पुरोहितों की अनिल बनूली से मुलाकात हुई है। दरअसल तीर्थ पुरोहित लगातार ये मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम की जो स्थापना हुई थी उसे अब हटाया जाए, उस एक्ट को खत्म किया जाए, लेकिन देवस्थानम बोर्ड की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो इसको खत्म नहीं होने देना चाहते, लेकिन इससे पुरोहितों की परेशानियाँ लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में उन्होंने अनिल बलूनी से मुलाकात की, चर्चा हुई है, साथ ही साथ तीर्थ पुरोहितों को आश्वासित किया गया है कि जल्द ही इस एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड का जो लाल है अनिल बलूनी, उनसे आज जो वार्ता हुई उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया उनके द्वारा
कि जो ये देवस्थान जैसा काला कानून बनाया गया था उसके लिए सारे उच्च स्तरीय पे जो बैठक हुई है, तमाम जो बड़े नेताओं से बैठक की है, सबका निर्णय है कि मंदिरों का सरकारीकरण नहीं हुआ होगा। ये अनिल बलूनी जी की आवाज़ और अभी उनका स्टेटमेंट है, और बहुत जल्दी जो देवस्थान जैसा काला कानून है उसके विरोध में एक सूचना हम सबको उत्तराखंड वालों को मिलेगी, ऐसा उन्होंने हमसे अभी बताया। मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि ऐसा लाल उत्तराखंड का जिसको हमारी आवाज़ का पता है, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर क्षेत्र में जलभराव से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी आपदा आई है जिसमें जनहानि के साथ ही पशु हानि भी हुई है। आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि आपदा में जिन लोगों के मकान टूटे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में उन्हें 1,09,000 और मैदानी क्षेत्रों में 95,000 की मदद दी जाएगी, और जिन लोगों के घरों में पानी घुसकर सामान बहा है उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आपदा में किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, इसका आंकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपदा से हुए नुकसान पर चिंता जाहिर की है। नुकसान का आंकलन भी लगातार किया जा रहा है ताकि लोगों तक मदद पहुँचाई जा सके। जो किसान हैं, जो प्रभावित हैं, उन तक भी मदद पहुँचाई जा सके। तो मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। उत्तराखंड आपदा पर सीएम धामी की बड़ी घोषणा सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मुलाकात सियासी गलियारों में सबसे चर्चित विषय बन गया है। एक ओर जहां लोगों ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में वापसी के कयास लगाए, तो वहीं दूसरी ओर तमाम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीजेपी में जाने की संभावनाएं भी जताई हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कहा है कि वो कांग्रेस में क्यों जाएंगे, क्या पता प्रीतम सिंह बीजेपी में आने का मन बना चुके हों। बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे थे। इस दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा काव भी मौजूद रहे। तीनों के बीच बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, और इसी दौरान चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तमाम तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके बीच व्यासी परियोजना को लेकर बातचीत हुई है। कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहे हैं। मुलाकात से चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि जल्द ही प्रीतम सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस में क्यों जाएंगे, शायद वो बीजेपी में आने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि बंद कमरे में करीब 3 घंटे तक ये मुलाकात चली है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात थी, सिर्फ परियोजनाओं के मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, ये जो मुलाकात है इसके असल मायने क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बदलाव की राजनीति उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होती है, और खासतौर से जो नेता है वो कहीं ना कहीं पार्टियां बदलते हुए नजर आते हैं चुनाव के समय में। और ऐसे में कहा जा सकता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से यशपाल आर्य और उनके बेटे भाजपा को छोड़ के फिर एक बार अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो इसी सब के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रीतम सिंह है वो हरक सिंह रावत के घर इसलिए पहुंचे थे कि उनको कहने गए थे कि आप एक बार फिर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, आपके लिए सारी सुविधाएं खोल दी जाएंगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये एक औपचारिक मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि एक औपचारिक मुलाकात होती तो जो रायपुर के विधायक हैं उमेश शर्मा का वो इस बैठक में मौजूद नहीं होते। हालांकि ये बड़ी चीज कही जा रही थी कि जो उमेश शर्मा काव हैं और हरक सिंह रावत हैं वो लगातार अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, भाजपा से नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक किस तरीके से वो वापस कांग्रेस में वापस जा सके। तो कहा जा सकता है कि प्रीतम सिंह बिल्कुल सुभाष, तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है? प्रीतम सिंह कहाँ का रुख कर सकते हैं? क्या वो कांग्रेस में जा सकते हैं, या फिर बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में क्यों जाएंगे, क्या पता उन्होंने बीजेपी में आने का मन बना लिया हो, पलड़ा यहाँ ज्यादा भारी है?
जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रीतम सिंह है वो कांग्रेस के ही नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन बड़ी चीज ये है कि हरक सिंह रावत क्यों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, उसकी मुख्य वजह यह है कि लगातार संगठन के साथ उनकी नाराजगी चल रही है। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि न केवल हरक सिंह रावत बल्कि जो रायपुर से भाजपा के विधायक है उमेश शर्मा काव, इनकी लगातार नाराजगी देखने को मिली थी। मीडिया के सामने इनकी वीडियोज आए थे जिसमें ये अपने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से लड़ते हुए नजर आए थे, अपने कार्यकर्ताओं से लड़ते हुए नजर आए थे। और उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह और काव की जो नाराजगी है वो अपनी पार्टी भाजपा से लगातार बढ़ती जा रही थी। और कई बार वो इसके चलते हाईकमान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे थे। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जब हरक सिंह रावत से इस बारे में पूछा गया क्या वो कांग्रेस में फिर से शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक बैठक थी और इसमें जो विद्युत परियोजनाएं हैं उसको लेकर हम नेता प्रतिपक्ष के साथ हमने मुलाकात की और इस पर चर्चा की। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस दो घंटे की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला गया, क्योंकि जिस तरीके से प्रीतम सिंह ने जो बयान दिया कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बैठक के मायने क्या निकाले जा सकते हैं, तो ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा। बिल्कुल सुभाष, और ये देखा जा सकता है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में जो दल बदल की राजनीति है, जो रणनीति है, वो तो अब तैयार होगी ही। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ी चीज ये है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं जो जो नेता है चाहे वो कांग्रेस मूल के हैं वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि जब से सरकार में उन्हें मंत्री पद दिया गया तब से वो लगातार परेशान चल रहे थे। देखा जा रहा था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो वो उनके खिलाफ बयानबाजी करते थे, उनसे असंतुष्ट रहते थे। इसके साथ ही जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी वैसी ही रही। और अब क्योंकि ये देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, हालांकि पुष्कर सिंह धामी से उनके अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी और संगठन के साथ तालमेल हरक सिंह रावत और उनके जो साथी हैं उमेश टाउ काउन का बनते हुए नजर नहीं आ रहा। ये केवल वो बड़े चेहरे हैं जो कि चुनाव जीतने में कहीं ना कहीं सक्षम नजर आते हैं किसी भी पार्टी में। लेकिन 2016 में जो अन्य 9 लोग गए थे उनकी भी घर वापसी कही जा सकती है कि ये लोग वापस आते हैं, चाहे उसमें सुबोध उनियाल की बात कर ली जाए, विजय भगोड़ा की बात कर ली जाए, शैला रानी रावत की बात कर ली जाए, ये कहा जा सकता है कि अन्य जो भी विधायक थे जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन जिन्होंने 2016 में थामा था, ये कहा जा सकता है उन सभी की नाराजगी बहुत है। एक बड़ी चीज ये है कि इन सभी लोगों का एक बड़ा दल है, कहीं ना कहीं जब भी किसी एक को परेशानी होती है तो तमाम जो अन्य उनके साथी है वो कहीं ना कहीं पलटवार संगठन से। जी सुभाष, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। तो कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के सियासी मायने बहुत ज्यादा निकाले जा रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी पास के बाध्यता ने उन्हें बेरंग लौटने पर मजबूर किया तो अब मौसम की बेरुखी के बीच कमरे के किराए से लेकर भोजन टैक्सी के नाम पर श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि केदारनाथ में कमरे के 6 से 9 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। पानी की बोतल 200 रुपये, कोल्ड ड्रिंक 80 रुपए और हाफ प्लेट मैगी 50 रुपए में मिल रही है। ये सब धाम तक ही सीमित नहीं है बल्कि यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग से गुप्तकाशी तक कई टैक्सी चालकों की तरफ से 250 से 300 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा है। इस संबंध में डीएम ने आरटीओ को पहले भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बाबा केदार के दर्शन कर लौटी एक यात्री ने बताया कि वो 3 दिन पहले केदारनाथ यात्रा के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह से टॉफी, पानी, बिस्किट से लेकर नाश्ता और भोजन की दरें हैं उससे आम यात्री का पानी पीना भी यहां पर मुश्किल हो सकता है। तो यात्रियों से मनमाने दाम इस वक्त वसूले जा रहे हैं। आप बता दें कि उत्तराखंड के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में वहां पर कमरे के किराए से लेकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी बहुत महंगे दामों में यात्रियों को, श्रद्धालुओं को मिल रही है। मेरे सहयोगी सुभाष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सुभाष, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, एक तो त्रासदी की वजह से वैसे ही श्रद्धालु परेशान हैं, पर्यटक परेशान हैं, दूसरा मनमाने तरीके से उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। कभी टैक्सी का किराया, पानी की बोतल जो 20 रुपये में मिलती है वो 200 रुपये में मिल रही है, तो ऐसे में उनका जीना मुहाल क्यों करने पर ये लोग तुले हुए हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके से चार धाम यात्रा खोली गई थी उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जो रोजगार उस क्षेत्र में करते हैं, जो स्थानीय लोगों का रोजगार है, चाहे होटल व्यवसायक हो, रेस्टोरेंट व्यवसायक हो या फिर घोड़ा खच्चर व्यवसायक हो, इन सब की जो स्थिति है वो पटरी पर आएगी। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों बरसात की वजह से आपदा जैसी स्थिति उत्तराखंड में बनी है, उसके बाद जो पर्यटक लगातार परेशान चल रहे थे, फंसे हुए थे चार धाम यात्रा के क्षेत्रों में, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। खासतौर से अगर कहा जाए केदारनाथ धाम में जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे मन जहाँ वसूल कमरे का वहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जिला अधिकारी जरूर इस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे। उन्होंने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है कि जल्द से जल्द जिस तरीके की मनमानी चल रही है उसे रोका जाएगा और सीमित जो किराया है, चाहे वो गाड़ी का किराया हो, होटल का किराया हो, खाने का किराया हो, उसके बोर्ड लगाए जाएंगे और वही जो सरकारी धाम है उस पर ही। बिल्कुल सुभाष, अगर 2013 की त्रासदी की हम बात करें तो यहाँ पर उस समय हालात ऐसे ही थे जैसे अब नजर आ रहे हैं, लेकिन वो वक्त दोबारा कोई भी व्यक्ति देखना नहीं चाहता। लेकिन यहां पर एक बार फिर से हालात वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। प्रशासन किस तरह का एक्शन ले रहा है, क्योंकि अब 2 से 3 दिन हो गए हैं, यात्री बेहद परेशान हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सड़कें अवरुद्ध हुई हैं चार धाम यात्रा की, खासतौर से केदारनाथ धाम की कही जाए या बद्रीनाथ धाम की कही जाए, इन क्षेत्रों की जो ऑलवेदर रोड थी वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है, उनको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और जैसे ही सड़कें खुलेंगी या जो यात्री फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द कोशिश किया जाएगा कि ऋषिकेश की तरफ मूव कराया जाए, सुरक्षित स्थानों की तरफ मूव कराया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यात्रियों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको बड़ी परेशानियां का सामना उन क्षेत्रों में करना पड़ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरीके की अवैध वसूली से यात्री हैं उनको बचाया जाए, जो श्रद्धालु हैं उनको बचाया जाए और जो स्थानीय लोग हैं जो इस तरीके से लगातार वृद्धि कर रहे हैं, चाहे वो होटल के किराए में हो, खाने में हो, इन पर कड़ी ना कड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बताया जा रहा है कि चार धाम यात्रा, खासतौर से जो केदारनाथ धाम है, उन स्थानों पर ये देखा जाता है कि अनुमम जो खाने पीने की वस्तुएं वो महंगी मिलती हैं, उसका मुख्य कारण ये भी बताया जाता है कि वो 21 किलोमीटर ऊपर उन सामानों को लेकर जाते हैं। खासतौर से पानी की बोतलों की अगर बात की जाए, मैगी की बात की जाए, ये वो चीज़ें सामग्री हैं जिनको ले जाने के लिए उनको अतिरिक्त वेतन देना पड़ता है, अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं और इस वजह से उस स्थान पर महंगा मिलता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो गाड़ियों का किराया है उसमें लगभग 250 से 300 रुपए लिए जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अनिवार्य उत्तराखंड के लिए भी कहा जा सकता है कि जो यात्री यात्रा करने आते हैं उनके साथ अवैध वसूली की जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं मुस्तैदी से काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में इस वक्त मौसम की मार पूरा प्रदेश झेलता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों को नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान चली गई है, ऐसे में अब लोगों पर आफत बनकर ये महंगाई भी पड़ रही है। दरअसल वहां पर मनमाने दाम लोगों से वसूले जा रहे हैं, कमरे के किराए 6000 से लेकर 9000 रुपये लिया जा रहा है, पानी की बोतल जो 20 रुपये में मिलती है वो 200 रुपये तक में दी जा रही है। रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने करीब 4 दिन पहले कलियर विधानसभा के क्षेत्र का निरीक्षण किया था, जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हाजी फुरकान अहमद का निवास स्थान माना जाता है। निरीक्षण के दौरान शादाब आलम को विधायक के गांव में कई खामियां नजर आई थी। इसी कड़ी में कलियर विधायक से मौजूदा फुरकान अहमद ने शादाब आलम को कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बताया। बताते चलें कि शादाब आलम कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट से 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चमोली में लगातार 2-3 दिनों से हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए निदेशक वन संरक्षक नंदा देवी बायोस्फीयर रिसर्च गोपेश्वर की तरफ से केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ के सभी वन क्षेत्रों पर ट्रैकिंग, कैंपिंग, पर्वतरोहण दलों को वन क्षेत्रों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। तो चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से
पहाड़ों पर जो ट्रैकिंग होती है, जो पर्वतारोही वहां जाते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हम लोग फंसे हुए थे कालाचक के ऊपर। मैम आरती मैम को हम लोग फोन किए थे कल को शाम में दोपहर को, बहुत मुश्किल से नंबर मिला उसका डीटीडीओ साहब से। फिर आरती मैम ने आप सबको भेजा है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू, आपके लिए हम लोग नीचे आ पाए एकदम सही सलामत। सबको बहुत अच्छा लगा हम लोग को। मौसम के खराब होने के चलते रुद्रनाथ यात्रा पर गए कुछ यात्रियों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की एक टीम द्वारा लगभग 10 यात्रियों को यात्रा मार्ग से सुरक्षित मोटर मार्ग तक जो है वो रेस्क्यू कर पहुंचा दिया गया है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा वर्तमान में लगभग 8 से 10 लोग जो हैं यात्रा के मध्य जो पड़ाव हैं उन्हें उस पर रोका गया है, और मौसम साफ होते ही उन्हें भी जो है वो रेस्क्यू कर मोटर मार्ग तक जो है वो सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। देहरादून में आफत की बारिश से अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है। इस आपदा में 12 लोग घायल हुए हैं, साथ ही 11 लोग अब भी लापता हैं। इस आपदा से 9 घर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देहरादून में आपदा से 9 घर क्षतिग्रस्त हुए, और इसके अलावा देखा जाए तो 46 लोगों की जान चली गई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 11 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर लगातार राहत बचाव का काम किया जा रहा है। हरिद्वार में राजकीय जूनियर हाई स्कूल हजारा ग्रांट की हेडमास्टर मंजू रानी को भ्रष्टाचारी, धोखाधड़ी, अनियमितताओं के चलते निलंबित किया गया। अब इन आरोपों के सिद्ध हो जाने के बाद भी शिक्षा विभाग की नजर कार्रवाई का प्रमाण ये हो रहा है कि शिक्षा विभाग अब जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद भी उनके आरोपों पर पर्दा डालते हुए निलंबित हेडमास्टर मंजू रानी को कानूनी कार्रवाई से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी ने हेडमास्टर मंजू रानी को निलंबित करने के बाद आश्वासन दिया था कि आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दुर्गम स्थान में स्थानांतरण और एक इंक्रीमेंट उसका बाधित किया गया, ये इसके साथ उसको बहाल किया गया है। सर तीन पुलिस FIR न कराए जाने का एक कारण ये भी रहा कि 8000 के अमाउंट को 80000 बनाया गया, और प्रधानाध्यापिका द्वारा ये बताया गया अपनी आख्या में कि SMC के अध्यक्ष को मेरे द्वारा मौखिक बताया गया है, उसके बाद ही किया गया है, जबकि अध्यक्ष इस बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के धनराशि का दुरुपयोग नहीं हुआ है, इसका इंक्रीमेंट बाधित कर दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।